नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु यादव। उपचुनाव का उद्घोष हो चुका है, उम्मीदवारों को लेकर हर किसी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि कौन सी विधानसभा सीट से कौन उम्मीदवार मैदान में होगा। इस मामले में बीजेपी या सपा आगे तो नहीं दिखती, लेकिन कांग्रेस ने मैदान मार दिया है और कांग्रेस ने दो विधानसभा सीटों से अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। स्वार और बांगरमऊ विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ से कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और अपने पत्ते साफ कर दिए हैं कि उनकी तरफ से कौन लड़ेगा। स्वार विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो अब्दुल्ला आजम 2017 में यहां से विधायक बने थे और कांग्रेस ने भी अब मुस्लिम कार्ड खेला है और मुस्लिम चेहरे को यहां से उतारा है। हमजा अली को टिकट दिया है यहां से कांग्रेस पार्टी ने स्वार विधानसभा सीट से, और कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि मैदान में वो भी ताल ठोकेगी। कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस शायद सपा को बाहर से समर्थन दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को यहां से मैदान में उतार दिया है, नाम की घोषणा कर दी है। बात की जाए बांगरमऊ विधानसभा सीट की तो 2017 में कुलदीप सेंगर बीजेपी के टिकट पर जीते थे, लेकिन यौन शोषण का आरोप लगने के बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है और अब कांग्रेस ने यहां पर आरती वाजपेयी को टिकट दिया है। आरती वाजपेयी को मैदान में उतारकर कांग्रेस ने अपने पत्ते साफ कर दिए हैं। स्वार और बांगरमऊ विधानसभा सीट से कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और अब सामने चुनौती पेश कर दी है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कि अब वो किस तरीके से काम करेंगे और किसको मैदान में उतारेंगे। कांग्रेस के जो उम्मीदवारों की घोषणा की गई है उसको सियासी पंडित तुरुप का इक्का मान रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी कहीं भी स्थिति में नहीं दिखाई दे रही है ऐसी कि वो टक्कर दे पाए, लेकिन उम्मीदवारों का ऐलान करके उसने बढ़त हासिल करने की कोशिश जरूर की है। अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी अपनी तरफ से कब उम्मीदवारों का ऐलान करते हैं और किसे वो मैदान में उतारते हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कांग्रेस ने बांगरमऊ और स्वार विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। स्वार से हमजा अली और बांगरमऊ से आरती वाजपेयी को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। स्वार रामपुर जिले की विधानसभा सीट है जहां पर आजम खान का दबदबा देखने को मिलता है और समाजवादी पार्टी को लगता है कि वो एक बार फिर यहां पर समाजवादी पार्टी की जो साइकिल है उसको दौड़ा लेगी, लेकिन बीजेपी भी यहां पर जोड़ तोड़ में लगी हुई है और वो जीतना चाहती है। लेकिन कांग्रेस ने बाजी को अपने पाले में करने की कोशिश की है अपने उम्मीदवारों का पहले ऐलान करके। अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी कब तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान करती है, और नजरें बहन जी की पार्टी बीएसपी पर भी सबकी हैं कि बीएसपी की तरफ से कब उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा।